वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पुराने शॉर्ट्स से बेबी फ्रॉक। देखिए ये शॉर्ट्स है, इससे हम बेबी फ्रॉक बनाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं नाप लेना। पूरी फ्रॉक की लंबाई 13 इंच है। यहाँ 20 से हम 15 इंच रख रहे हैं। यहाँ टिक कर लेंगे 13 इंच पे, इसको हम सीधा कर देते हैं। कि मैंने कट कर लिया, अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहां से 3 इंच लेंगे, ये 3 इंच है। ऐसे हम स्ट्रेट कर लेंगे लाइन, यहां से गोल शेप दे देंगे। यहाँ से हम 6 इंच पे हम टिक कर लेंगे। इससे लाइन हम स्ट्रेट कर लेंगे इसको। यहाँ पे हम ऐसे इलास्टिक लगा लेंगे। यहाँ पे हम इलास्टिक है मेरा, यहाँ ऐसे इलास्टिक लगा लेंगे। इलास्टिक है यहाँ, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये ऐसे फोल्ड कर लेते हैं दोनों साइड का। फिर यहां से इसको हम यहां से ऐसे हम डबल फोल्ड करेंगे, ऐसे सिलाई चला लेंगे दोनों साइड में। इसको हम फोल्ड करके सिल लेंगे। चलिए तो हम सिल के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सिल चुका है। ये देखिए, ये पूरा ऊपर हम थोड़ा बड़ा हो रहा था, ये प्लेट डाल दिए इसमें। अब इसमें हम ये पट्टी, देखिए ये पट्टी पहले से तैयार करके रखे हैं। ये पट्टी देखिए, ऐसे हम दोनों साइड में पट्टी लगा ले रहे हैं। देखिए दोनों साइड के ऐसे पट्टी लगा लेंगे। ये पहले से फ्लावर बना के रखे हैं, ये देखिए, ये फ्लावर हम यहाँ ऐसे टाक देंगे। बस ये आपका बेबी फ्रॉक बनके रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये बेबी फ्रॉक, ये देखिए, ये बनके रेडी है। ऐसे ही बेबी फ्रॉक बनाने के लिए Come on.